नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। कैसे भाई सब लोग? देखिए, जब से मैंने देखा कि रेलवे का एग्जाम आ चुका है तो मैंने ग्रुप डी और CBT 2 के लिए प्रैक्टिस भी जारी कर दी। शाम के 7 बजे प्रैक्टिस हो रही है। अभी CBT 2 के लिए भी प्रैक्टिस वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस के साथ साथ क्यों ना आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी कह सकते हो सीरीज चलाई जाए जिसमें आप जितने भी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उन सबको डिटेल में समझ सकूं। जैसे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, नोबल अवार्ड हो गया, भारत रत्न हो गया। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे 40 से 50 ऐसे टॉपिक है जिनको मैं अगर 10-10 मिनट का वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूं तो ये सारे के सारे टॉपिक आप समझ सकते हो। देखो, रमन मैग्सेसे अवार्ड मैं अपनी प्रैक्टिस में लेके आता हूं। आपने उस समय उसका आंसर दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा रमन मैग्सेसे अवार्ड याद हो गया। तो अभी 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड को सारा कुछ याद करा दूंगा, मतलब A to Z सब कुछ खत्म। इसी तरीके से हम A to Z सारे के सारे वीडियो को देखेंगे, सारे के सारे टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी और जो शाम के 7 बजे वाला बैच चल रहा है उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, चलिए फिर तो यहाँ पर देखते हैं, पहले शुरुआत देख लेते हैं। और ये पूरा का पूरा बैच वैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर CBT 2 और ग्रुप डी है, लेकिन ये सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं ज्यादातर जो क्वेश्चन कवर करूंगा, ये ज्यादातर बातें कवर होंगी वो 2020 और 2021 वाली होगी, क्योंकि रेलवे का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, रेलवे हमेशा पुरानी GTGS पूछता है। तो मैंने 2020 और 2021 के ज्यादातर जैसे इस तरह से कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे लिए हुए हैं। चलो फिर शुरुआत देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले मैं आपको बता दूं रमन मैग्सेसे अवार्ड की हिस्ट्री क्या है। तो अगर बात हिस्ट्री की करती है तो ध्यान रखना ये अवार्ड 1957 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1957 में। और यह शुरू किया गया था फिलीपींस की राष्ट्रपति की याद में, याद रखिएगा, फिलीपींस द्वारा शुरू किया गया था। इस अवार्ड को एशिया का नोबल अवार्ड भी कहते हैं। तो पूछा जाए कि बताइए एशिया का नोबल अवार्ड किसे बोला जाता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोला जाता है। और आगे सुनिए, यह पुरस्कार एशिया के किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था को जो अपने क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करता है यह अवार्ड उसको दिया जाता है। यानी यह किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और किसी संस्था को भी दिया जा सकता है जो अपने क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करेगा। ओके, चलो अगली स्लाइड देख लेते हैं। ये वो 6 क्षेत्र है जिस पर रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो पूछा जाए कि बताइए रमन मैग्सेसे अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1957 में शुरू किया गया था फिलीपींस द्वारा। अब वो 6 क्षेत्र क्या है? तो पहला है आपका, कह सकते हो, सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान। सिर्फ आपको सरकारी सेवा याद रखनी है, यानी गवर्नमेंट सर्विस याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। पब्लिक सर्विस याद रखना है, सार्वजनिक सेवा है। सामुदायिक नेतृत्व याद रखना है, पत्रकारिता याद रखना है, साहित्य और रचनात्मक संचार कला याद रखनी है, जबकि शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो टोटल ये 6 क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें ध्यान रखना रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और ये इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है। फिलीपींस देश द्वारा जरूर दिया जा सकता है, लेकिन ये पूरे के पूरे कह सकते हो विश्व में किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, वो किसी भी देश का हो। ओके, चलो आगे कुछ और बात कर लेते हैं। अब मैंने यहां पर वो आपके रमन मैग्सेसे अवार्ड के 2019 के विजेता के नाम लिखे, 2019 और 2020 के मैंने विजेता के नाम लिखे। मैं आपको बता दूं ये अवार्ड 2021 में नहीं दिया गया है, ये अवार्ड 2021 में नहीं दिया गया है, सॉरी 2020 में नहीं दिया गया है। ये 2019 हो गया, ये 2021 हो गया। तो ध्यान रखना रमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 में नहीं दिया गया। तो 2019 में दिया गया है, तो 2019 के वो 5 नाम है। तो पहले पूछे गया कि बताइए रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वो 5 लोग कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना 2019 में मिला था रवीश कुमार, भारत की तरफ से रवीश कुमार को, ये पत्रकार ने। तो भारत की तरफ से सिर्फ 1 ही ऐसे हैं व्यक्ति है जिनको 2019 में मिला था। दूसरे नंबर पर याद रखना को सोवेन, ये थे म्यांमार के, ये थे म्यांमार के मानव अधिकार के रक्षक। उसके बाद देखिएगा अंडहाना, इनको मिला था। और ये कहां के रहने वाले? सर ये थाईलैंड के, थाईलैंड के। उसके बाद रेमंडो, ये सर फिलीपींस के ही रहने वाले हैं। और किम जोन, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया। तो टोटल देखा जाए तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में 5 लोगों को मिला था। और ये 5 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रवीश कुमार, को सोवेन, अंडहाना, रेमंडो और किम जोन। इनके कंट्री के नाम भी तुम्हें याद होने चाहिए। बोलो बात सब क्लियर है ना? अभी 2019 के बाद मैं 2020 की बात करता हूं। तो 2020 में भी धारक ना ये कितने लोगों को मिला? सर ये मिला है 5 लोगों को। धारक ये रहा 2020 में भी ये अवार्ड कितने लोगों को मिला? सर 5 लोगों को मिला। अब ये 5 लोग कहां कहां के हैं मैं बताता हूं।
तो सबसे पहला नाम देखिए फिरदौस चौधरी। सर ये जो फिरदौस चौधरी है ये बांग्लादेश के, बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौस चौधरी। ओके आगे देखिएगा मोहम्मद अंजब साजिद, ये हमारे कह सकते हो पाकिस्तान के, कहां के भैया पाकिस्तान के। उसके बाद देखिए स्टू मुंशी, ये कहां के, ये रखना ये साउथ ईस्ट नेशन, ये है साउथ ईस्ट एशिया के रहने वाले हैं स्टीव मुंशी, है ना। रोबर्टो बैलन सर ये कहां के हैं, ये फिलीपींस के हैं, ये कहां के सर ये फिलीपींस के हैं। और अगला नंबर है तुम्हारा वॉच डॉट, ये पत्रकार है, ये याद रखना ये पूछा जाएगा ये पत्रकार है। और ये कहां के रहने वाले हैं तो कह देना ये इंडोनेशिया के, ये इंडोनेशिया के। बोलो तो पांच डाट रखना यहां पर, मैंने पांच तो 2019 में भी पांच लोगों को मिला, 2020 में किसी को नहीं मिला कोविड की वजह से, और 2021 में भी कितने लोगों को मिला है सर, पांच लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। नाम याद रखिएगा फिरदौस चौधरी बांग्लादेश, मोहम्मद अंजब साकेत पाकिस्तान, स्टीव मुंशी साउथ ईस्ट एशिया, और रोबर्टो बैलन ये एक फिशरमैन है, याद रखिए ये कौन है फिशरमैन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे एक पत्रकार है। ठीक है तो ये पांच और ये पांच आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको वो इंडियंस बताता हूं जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत पहले जीता था, कई बार पुरानी जीती थी इसमें ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इनके सन तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बताइए, तो आपका आंसर जाएगा विनोबा भावे के साथ। विनोबा भावे वो भारतीय हैं जिन्हें सबसे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, विनोबा भावे, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सी डी देशमुख भी याद रखना है, सी डी देशमुख को 1959 में मिला है। मदर टेरेसा वो महिला है, सबसे पहली महिला किसे मिला था, तो ध्यान रखना सबसे पहली महिला जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, सबसे पहली महिला उसका नाम है मदर टेरेसा। जेपी नारायण को मिला 1965 में। सत्यजीत रे ये 1987 में मिला है, इस बात को याद रखना, सत्यजीत रे को कब मिला है 1987 में। अब देखो ये जो शुभ लक्ष्मी है ना 1974 में, पूछा जाए कि भारत की पहली या पहली संगीतकार महिला जिसको जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, संगीतकार ये थी, ध्यान रखना ये कौन थी हमारी संगीतकार। तो संगीतकार के क्षेत्र में पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली महिला का नाम है एस सुब्रलक्ष्मी। किरण बेदी को 1994 मिला। वी शांता, डॉक्टर वी शांता ये कैंसर विशेषज्ञ अपने भारत की है, हालांकि इनका निधन हो चुका है 2005 में। अरविंद केजरीवाल को 2006 में और रवीश कुमार को 2019 में। तो लगभग इतने 10 हमारे भारतीय हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है इनके सन याद रखिएगा। और लाइन से याद कर लोगे तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं। विनोबा भावे 1958, सी डी देशमुख 1959, मदर टेरेसा 1962 तीन साल बाद, जेपी नारायण 1965, है ना। तो ये तीन है ये आगे था, सत्यजीत रे 1987 और एस सुब्रलक्ष्मी 1974, किरण बेदी 1994, वी शांता 2005 और अरविंद केजरीवाल 2006, रवीश कुमार 2019। ओके चलो आगे देखिए बताइए। अब यहां पर देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सको कि हाँ इनके आंसर क्या है। ठीक है चलो देखिए, निम्नलिखित में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, और वो भी 2018 में। देखो अरविंद केजरीवाल को मैंने अभी बताया 2006 में, लेकिन 2018 का भी याद कर लो। 2018 में ध्यान रखना भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक इन दोनों को मिला था, इन दोनों को ध्यान रखना मिला था, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। अरे देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में कितने भारतीयों को मिला, अब इन्होंने ये नहीं पूछा किस भारतीय को मिला, कितने भारतीयों को मिला। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में मिला तो वैसे पांच लोगों को था, लेकिन उसमें भारतीय केवल एक थे, उनका नाम था रवीश कुमार। ठीक है अच्छा 2021 में भी पांच लोगों को मिला, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रतिवर्ष किस देश के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, हैं? तो याद रखना ये अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में, फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर होगा फिलीपींस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले भारतीय कौन थे जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले भारतीय याद करो, मैंने आपको बताया था विनोबा भावे 1958 में मिला था, है ना। फिर उसके बाद मदर टेरेसा मैंने बताया था 1962 और शायद जेपी नारायण थे 1965, बीच में 1959 आया था सी डी देशमुख। तो विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेसा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का नोबेल अवार्ड किसे बोला जाता है, मैंने बताया एशिया का नोबेल अवार्ड मिला जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को,
रॉन मैग्सेसे अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन देता है? फिलीपींस देता है। शुरुआत कब हुई? सर शुरुआत हुई थी 1957 से। हैं, पहला भारतीय कौन था? विनोबा भावे जी थे। पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा जी थी। पहले संगीतकार कौन थे? एस सुब्बलक्ष्मी 1974। सब याद रखिएगा। आगे देखिए, 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को दिया गया? तो अरविंद केजरीवाल को कब मिला? शायद इनको मिला था 2006 में। उसके बाद रवीश कुमार को मिला था 2019 में। 2019 पूछा है, हाँ, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किरण बेदी को शायद 1994 के आसपास मिला था। मैं चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे अवार्ड कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? अब ये कितनी श्रेणी बोला जाए या फिर कितने क्षेत्र बोला जाए, एक ही बात है। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड ध्यान रखना 6 क्षेत्रों में या 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड पे आपने अगर इतनी डिटेल याद कर ली भाई, तो किसी भी एग्जाम में रमन मैग्सेसे अवार्ड से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आपको करना क्या है, ये डिटेल अपनी कॉपी में लिखना है, फिर जब 2022 में दिया जाएगा तो 2022 वाला नोट कर लेना। यही पढ़ाई का तरीका है। ठीक है, तो कैसी लगी है मेरी वीडियो? और इस वीडियो की जो सीरीज है ना, वो डेली आपको मिलती रहेगी। आपको ये अभी मैंने रमन मैग्सेसे अवार्ड बताया, हो सकता है अगला कोई टॉपिक हो, मतलब कोई भी एक ऐसा स्पेशल टॉपिक जो हर बार पूछा जाता है, बस उसी टॉपिक को लाकर, थ्योरी लाकर, कुछ क्वेश्चन लाकर आपके नोट्स प्रिपेयर करा दूंगा 10-15-20 दिनों में, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सीरीज कैसी लगी और ये सीरीज में आपको किस किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर बना सकूं डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।